Hello everyone, in the last lecture we read about reactivity theories of metals. Dear student, हमने last lecture में क्या किया था, metals के reactivity series के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना? तो reactivity series क्या हुई थी? इस reactivity series में हमने क्या किया था, सारे जितने भी मेटेलिक एलिमेंट थे मेटल्स के लिए ये सीरीज, डियर स्टूडेंट, मेटल्स के लिए होती है, ठीक है? और जितने भी मेटल्स हैं उन मेटल्स को हमने क्या किया था, एक सीरीज में कंबाइन कर दिया था उसके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, तो उसी को रिएक्टिविटी सीरीज बोला गया. तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, ठीक है, इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है ना? ये था आपका. अब देखिए इसमें क्या होता है, इस सीरीज में मेटल्स कैसे कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं, मेटल्स के ऑर्डर क्या है वो आपको बताते हैं. इसके लिए देखिए एक क्या होता है, थोड़ा ट्रिक है, हम ट्रिक आपको लिख दे रहे हैं. लिखबा सरकाना मग अल मंजन कर फे कटको नीसन पभकू, ये इसका कोड वर्ड हो गया है, ठीक है ना? अब लिखबा मतलब एलाई, ठीक है, ये हो गया लिखबा एलाई हो गया. का मतलब पोटेशियम, बा मतलब बीए, ठीक है, ये सब आपके मेटल हो गए हैं. तो लिखबा हो गया, लिखबा सरकाना, सर मतलब एस आर, का मतलब सी ए, ना मतलब एन ए, ये हो गया. तो इतना आपका क्या हो गया है, लिखबा. फिर ये हो गया आपका सरकाना. फिर आपका क्या हो जाएगा, मग अल मन जन. तो मग अल मन जन ये आपका हो गया सेकंड सीरीज, मग अल मन जन, ठीक है. देन आपका क्या हो जाता है, कर फे कड को, मतलब सन पभकू, सॉरी, लिखबा सरकाना मगल मंजन करफे कटको, करफे मतलब सी आर, ठीक है, ये आपका सी आर हो गया कर, ठीक है. तो करफे के लिए, सॉरी करफे है, सर नहीं है, करफे, करफे के लिए हमने सी आर लिख दिया. करफे एफ ई हो गया, कड मतलब सी डी हो गया, को मतलब सी ओ हो गया, तो ये आपका हो गया करफे कटको, करफे कडको. फिर निशन, निशन का हो जाएगा एन आई एस एन, निशन हो गया, ये निशन रहा. देन पब मीन्स पी बी, हको मतलब एच एंड सी यू, ठीक है. फिर आपका आता है ए जी एंड ए यू, ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका पब हकू हो गया, ठीक है. तो ये सीरीज रही, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रही, पहले ये आया देन ये आया देन ये आया एंड देन ये आया, ये क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना. तो आपका क्या हो गया, ये याद करने का सिंपल ट्रिक है, लिखबा सरकाना मग अलमंजन करफे कटको नीसन पभाकू ए जी एंड ए यू, ठीक है ना. तो अब देखते हैं इसमें, देखेंगे आप सबसे ऊपर का ये है लिथियम, ठीक है, और सबसे लास्ट का आपका क्या है, ए यू है. तो जो ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, मोस्ट एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, और जो लास्ट में होता है वो क्या होता है,
मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना। तो Au क्या है, ये क्या होता है, सॉरी लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये लीस्ट रहेगा, मतलब इसकी क्या हो जाती है, पावर क्या होती है एक्टिविटी की, वो कम होती है, ठीक है ना। तो जो जितना ऊपर रहता है उसकी रिएक्टिविटी पावर उतना ही ज़्यादा रहेगा, जो जितना नीचे रहेगा उसकी रिएक्टिविटी पावर उतना ही कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा, आप देखिए इसका यूज कहाँ पर करते हैं, वो आपको देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमने क्या किया था, मेटल्स का जो है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो फोर्थ तक हमने पढ़ लिया था रिएक्शन विद बेसिस। फिफ्थ वाला आपको पढ़ना है, और फिफ्थ वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ए बी है प्लस सी है, अब ए बी को सी हटा दे तो ए सी हो गया और प्लस बी हो गया, तो यहाँ बी का हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, किससे किया है, सी से किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखिएगा कि जैसे जो बी है और सी है, बी तभी हटेगा जब सी के पास ज़्यादा पावर होगा, और सी के पास ज़्यादा पावर होगा तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव किससे है, बी से, ठीक है ना। तो ये बात हो गई है, तो आप कह सकते हैं अमोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट लेस वाला मोर को नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसके पास पावर ज़्यादा होता है वही कर सकता है। जैसे हमने ले लेना है एक एग्जांपल, कॉपर सल्फेट, हमने क्या ले लिया है, कॉपर सल्फेट ले लिया है, और इसका रिएक्शन हमने करा देना है आयरन के साथ। जब आप कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन के साथ कराएंगे तो आपको मिल जाएगा आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट हो गया। और अब इसको जब आयरन सल्फेट बन जाएगा तो इसके साथ कॉपर भी आपका क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4 होता है, आयरन का क्या होता है आपका Fe हो जाएगा, देन आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, आयरन सल्फेट, इसमें इट मीन्स FeSO4 एंड कॉपर, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो आपका आयरन है, ठीक है, वो आयरन ज़्यादा है, ज़्यादा रिएक्टिव है। आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से कि आयरन कहाँ पर है आपका, आयरन हमने आपको बताया था, देखिए आयरन है आपका, ये एफ ई है, ठीक है ना, और कॉपर कहाँ है, ये है सी यू नीचे है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे आयरन ऊपर है और सी यू नीचे है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा एक्टिव है, ये लेस एक्टिव है, ठीक है ना, कम एक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, बट ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो जो हमारा रिएक्शन है इसमें हमने क्या किया है, आयरन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो FeSO4 हो गया है और सी यू हो गया है, ठीक है। अब CuSO4 जो है इसका कलर क्या है, ब्लू है, Fe का कलर क्या है, ग्रे है, ठीक है, और FeSO4 का कलर क्या हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, और Cu का कलर क्या हो जाता है, ये रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, इसका कलर हो गया, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन अमोर रिएक्टिव मेटल एंड दिस मेटल इज आयरन, आयरन इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल, और लेस रिएक्टिव मेटल क्या है, कॉपर है, कॉपर फ्रॉम
इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन है, उससे क्या किया है, कॉपर रिमूव हो गया है, ठीक है ना। चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू।